तुम कब से यार सेल्फी ले जा रहे हो यार? मैं बगल में बैठा हूँ, उससे बात कर लूँ यार? प्लीज, मेरा मूड वैसे ही बहुत खराब है। एक काम करो, ठंडा पानी पी लो, दिमाग शांत हो जाएगा। मुझे नहीं पीना। क्या हो गया कुछ? एनी प्रॉब्लम? यू नो माई बॉयफ्रेंड, मैं उससे इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ, इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ कि दिस टाइम आई एम रियली ब्रेकिंग अप विद हिम। मैंने पहले ही कहा था वो लड़का तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं है, तुम्हारे लाइक नहीं है, उसको छोड़ दो, जस्ट ब्रेक ऑफ। आई थिंक तुम सही थे, वो तुम्हारी तरह बिल्कुल स्वीट इनोसेंट नहीं है यार। उसे तो लड़कियों की रिस्पेक्ट करना ही नहीं आता, वो इतना बदतमीज है, इतना मवाली टाइप है, मैं तुम्हें क्या बताऊं यार। ऐसे लोगों को लड़कियों की इज्जत करनी है, जस्ट ब्रेक ऑफ कर लो यार। यू नो व्हाट, ही समटाइम्स इवन हिट्स मी। तो तुम ना सेम मिल जा मेरे को एक बार। तुम कैसे मेरे ड्राइवर की तरह मुझे ड्रॉप करते हो, मुझे पिक करते हो? तुम्हारे साथ की हुई हर एक शॉपिंग मुझे याद है, तुम्हारे ब्रांडेड कपड़े, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और तुम जो वो दुबई से चॉकलेट्स लाए थे, वो मेरे फ्रेंड्स को इतनी पसंद आती है, इतनी पसंद आती है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। और ये आईफोन, थैंक यू फॉर दिस। और तुम्हारी दी हुई डायमंड रिंग, मेरी मॉम रोज ऑफिस पहन के जाती है। मम्मी पहन के जाती है। हाँ, हालांकि अब वो खो गई है कहीं। क्या? But that's fine with you, है ना? You know what? वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा नहीं है। काश मेरा बॉयफ्रेंड भी तुम्हारे जैसा होता, बट वो। मुझे ये बताओ कि तुम्हारी मम्मी मेरे बारे में क्या सोचती है, क्या क्यूज है मेरे लिए? मेरी मम्मी? हाँ। वो फैन है तुम्हारी, तुम्हें मालूम है? वो बोलती है कि रॉबिन की वजह से हमारा घर क्लीन रहता है, तुम्हारा झाड़ू पोछा बर्तन एवरीथिंग, एवरीवन इज फैन ऑफ योर्स, पता है तुम्हें? यार तुम्हारा घर मैं तुम्हारे लिए तो साफ करता हूँ, तुम्हारे लिए साफ करता हूँ। थैंक यू सो मच। और तुम्हारे हाथ का खाना, ओ गॉड, उसकी तो मैं भी पागल हूँ। पापा क्या, वो तो उंगलियाँ चाटते रह जाते, इतना टेस्टी खाना बनाते हो तुम। अच्छा तुम्हारे पापा क्या बोलते हैं मेरे बारे में? पापा? वो पहले तुम्हें पसंद नहीं करते थे, क्योंकि तुम उन्हें लगता था तुम मुझ पर ट्राई मार रहे हो, बट जब से तुमने उन्हें किडनी दी है, तुम्हारे फैन हो गए हैं। जो भी कर रहा हूँ मैं तो तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ यार, एनीथिंग फॉर यू यार। मैं एक किडनी का, मैं 10 किडनी तुम्हारे तुम्हारी फैमिली के लिए कुर्बान। सो स्वीट ऑफ यू, तुम बहुत स्वीट हो। काश मेरा बॉयफ्रेंड भी तुम्हारी तरह होता। क्यों करते हैं भगवान ऐसी नाइंसाफी? अरे अगर ऐसा है तो तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बना लेती? पागल हो क्या यार, हम अच्छे फ्रेंड्स हैं बस, बॉयफ्रेंड नहीं। तुम्हें मालूम है, दोस्ती में सुकून है और मोहब्बत में जुनून है। मुझे सुकून चाहिए और मैं तुम्हारे जैसा दोस्त कभी खोना नहीं चाहती, इसलिए हम फ्रेंड्स ही ठीक है। तुम क्यों मुंह फुलाए हुए हो यार? हम इतने टाइम से दोस्त है, लाइक वी शुड टेक इट टू नेक्स्ट लेवल। हमको अपने रिलेशनशिप को ना कुछ नाम देना चाहिए। ओ, तुम हमारे बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो ना? तो हम एक काम करते, आज से नहीं नहीं अभी से तुम मेरे भाई हो, पक्के वाले भाई। एक सेकंड। हेलो। बोलो। ठीक है ना, सुनो, तुम्हारा वॉलेट देना, जल्दी दो। क्या काम है? हाँ, इतने में हो जाएगा। चलो तुम, मैं जाती हूँ, तुम शाम को घर जरूर आना। क्यों? टॉमी को घुमाने, आई मीन वो तुमसे ज्यादा अटैच है ना, तो तुम्हारे साथ उसे अच्छा लगता है, तो तुम आ जाना। ठीक है, मैं जाती हूँ। प्लीज हमें सपोर्ट करें हमारे वीडियोस को बाय लाइकिंग।
उनका कमेंट करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल इंडियन दोस्त को सब्सक्राइब करें अभी, क्योंकि बहुत सारे इंटरटेनिंग वीडियो अभी आना बाकी है। सो जस्ट वेट एंड वॉच, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। करीना किसी दिन प्यार मुंडिया तो बच के रही तू हूं।